हेलो फ्रेंड्स, हमने बुद्धिस्ट एजुकेशन का एक पार्ट पढ़ा और पूरा, चूंकि ये बड़ा है तो एक वीडियो में नहीं आने से मैंने दूसरा पार्ट बनाया है जिसमें कुछ चीजें छूट गई थी, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में हमने पढ़ लिया था कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, छात्रों की क्या ड्यूटी है, टीचर्स का क्या रोल है, बब्जा संस्कार क्या है, उपसंपदा क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। और अगर मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी कि आप इसके बाद उसको भी देख लेंगे या उसको देखकर इसको देखेंगे तो आपको पूरा कंटिन्यूटी में मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एजुकेशन के लिए, नेट के लिए। ठीक है, तो अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहां जो स्कूल था, जो बिहार था, जो संघ में पढ़ाई होती थी, जहां बच्चे रहते थे, तो उसमें क्या था कि सारे जो एजुकेशनल स्कीम थे वो कौन चलाता था? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तो संघ के द्वारा चलाया जाता था, या बिहार, बौद्ध बिहार कहते हैं ना, बिहार या संघ चलाते थे। ठीक है, तो ये संघों के द्वारा चलाया जाता था। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या था? फेडरल सिस्टम पर आधारित था, संघीय व्यवस्था थी उसपे, और टीचर और टॉट जो थे फेडरल सिस्टम टीचर और टॉट साथ में रहते थे, छात्र और शिक्षक दोनों साथ रहते थे। लिव टुगेदर, ठीक है, मैं इधर ही लिख रही हूं कि पता नहीं कवर हो पूरा या ना। फिर क्या है कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में मतलब सबको बराबरी का हक था, सब प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में सबों को बराबर इक्वलिटी और इक्विटी की बात थी। ठीक है, तो एजुकेशनल शिक्षा व्यवस्था जो थी कि राजकुमारों के लिए ज्यादा विशेषता या ज्यादा महत्व और असाधारण लोगों का कम महत्व, ऐसा नहीं था, डेमोक्रेटिक था, सब शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी शिक्षार्थी थे, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता था। और जो संघ या विहार होता था, इसके गेट पर एक टीचर होते थे जिन्हें द्वार पंडित कहा जाता था, संघ या विहार के गेट पर, ठीक है, गेट पर जो व्यक्ति होता था उसको द्वार पंडित कहा जाता था, ये स्कॉलर होता था, द्वार पंडित जो होता था वो गेट पर जो होता था वो स्कॉलर होता था, और वो गेट की रक्षा करता था, ठीक है, गार्ड करता था गेट को। उसके बाद क्या है कि गेट ऑफ संघ विहार को द्वार पंडित के द्वारा मतलब उसके निरीक्षण में रहता था, उसके देखरेख में रहता था, और कोई भी एक संघ में, एक इंस्टीट्यूशन में एक लर्नेड भिक्षु की नियुक्ति होती थी। भिक्षु कौन होता था? वो टीचर होता था, जो कि हमने जाना कि आचार्य और उपाध्याय होते थे। तो लर्नेड भिक्षु जो टीचर होता था वो लर्नेड भिक्षु होता था। और ये क्या था कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं था, ना राजा का, ना किसी समाज का, ना किसी का भी। जो संघ का शासन चलता था, जो वहां का प्रशासन था, उसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है, तो करिकुलम क्या था? फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कोई भी शिक्षा का हम लोग सिस्टम देखेंगे तो उसमें ये सारी पॉइंट्स को देखना होता है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, अब करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या होता था, तो पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती थी। तो क्या था कि ये रिलीजियस एजुकेशन था, ठीक है, बुद्धिस्ट एजुकेशन जो था वो रिलीजियस था, और इसका एम क्या था? एम था मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण, एम टू अटेन निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति करना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये धार्मिक शिक्षा थी और इसका उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। ये कहते थे, इनका मानना था कि विमेन वेल्थ वाइन, ये तीनों W है, ये सारी चीजें, ऑर्नामेंट्स, ये सारे लाइफ के बाइंडिंग्स हैं, बाइंडिंग्स ऑफ लाइफ, बंधन है, जीवन के बंधन है। तो जीवन के बंधन है, इसलिए क्या है कि ये मनुष्य को कैसा रहना चाहिए, जो लाइफ जो लीड करना चाहिए मॉन्क की तरह, नॉन अटैच्ड लाइफ, मतलब नॉन अटैच्ड मतलब
सांसारिक चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे औरतें, धन, शराब, ऑर्नामेंट। तो इन्हें नॉन अटैच्ड लाइफ, मॉन्क की तरह, भिक्षुओं की तरह जो रहता है सब चीज से दूर। ये जो हमने देखा कि मॉन्क बनने के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे छात्र को संयम से रहना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि ये जो करिकुलम था वो रिलीजियस था, क्योंकि ये शिक्षा ही रिलीजियस थी तो करिकुलम भी रिलीजियस था, ठीक है। और करिकुलम रिलीजियस था और उसमें क्या पढ़ाया जाता था कि धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता था, और जो सुप्त थे मतलब जो बुद्ध के शिक्षा थे, जैसे हम विनय पीटक, सुप्त पीटक जो कहते थे, ये सारी चीजों की पढ़ाई होती थी। विनय पीटक ये पहले भी हमने पढ़ा, सुप्त पीटक, और अभिधम्म पीटक, इनकी पढ़ाई होती थी। इसके साथ साथ धर्म के, बुद्धा के टीचिंग्स भी पढ़ाए जाते थे और धर्म शास्त्र की शिक्षा होती थी, वेद, पुराण, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा पढ़ाया जाता था आयुर्वेद, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, मैजिक, ये सब विषयों की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, करिकुलम में। और स्कल्पचर और मैथमेटिक्स भी पढ़ाए जाते थे। स्कल्पचर मैं यहां लिखती हूँ, स्कल्पचर, मैथमेटिक्स, मतलब बहुत सारे विषयों की शिक्षा दी जाती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन में। धर्म के साथ साथ इन सब विषयों को भी पढ़ाया जाता था, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट हमने देखा? सब्जेक्ट देखा वेद, पुराण, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स एंड स्कल्पचर। ये सारे विषयों के अलावा संस्कृत, ये विषय की पढ़ाई के बाद किसका ज्ञान जरूरी था? तो संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी था। नॉलेज ऑफ संस्कृत वॉज नेसेसरी, ठीक है, छात्रों को हायर स्टडी के लिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत ही जरूरी था। इसके अलावा हाथी, घोड़े, स्नैक चार्मिंग, सपेरों की शिक्षा भी दी जाती थी। हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता था, हाथी को किस तरह से काबू किया जाए। इसके अलावा आर्चरी भी सिखाया जाता था, धनुष चलाना भी सिखाया जाता था। इसके अलावा क्या था कि वर्ल्डी और स्पिरिचुअल दोनों, मतलब वेद पुराण भी सिखाया जा रहा है, धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है, घोड़े हाथी को संभालना भी सिखाया जा रहा है, धनुष चलाना भी सिखा रहा है। तो इसमें क्या था कि दोनों तरह का, वर्ल्डी, सांसारिक और स्पिरिचुअल, दोनों तरह की शिक्षा इसमें इंक्लूडेड थी, इस कैरिकुलम में दोनों तरह की चीजें इंक्लूडेड थी, ठीक है। अब टीचिंग का मेथड क्या था? कैरिकुलम देख लिया हमने, क्योंकि बुद्धिस्ट एजुकेशन देख रहे हैं इसलिए हमें एक एक करके सब चीज देखना होगा। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग, में जनरली ओरल पढ़ाई होती थी, टीचर मौखिक पढ़ाई करवाते थे। इसके अलावा क्या करते थे कि बेस्ड ऑन ओरल डिस्कशन होता था, प्रीचिंग होता था, ओरल डिस्कशन, प्रीचिंग, उपदेश के द्वारा पढ़ाई, टीचर प्रीच करते थे, प्रीचिंग था। इसके अलावा ये था रिपीटेशन, टीचर को सुनकर रिपीट करना, टीचर पढ़ाते थे उसको रिपीट करके याद करना, रिपीटिशन, दोहराना, पुनरावृत्ति, डिबेट, वाद विवाद, ये सारे तरीके थे पढ़ाने के। इसमें क्या है कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग था,
उसके बाद क्या है कि सेमिनार्स भी होते थे। सोचिए सेमिनार उस समय से चल रहा है। मैं इसमें पहला मेथड ऑफ टीचिंग में हुआ ओरल डिस्कशन मेथड, प्रीचिंग, रिपीटेशन टीचर के पढ़ाए हुए को, और इसके अलावा डिबेट। उसके बाद क्या था, सेमिनार्स भी होते थे मेथड्स ऑफ टीचिंग में। उसको रहने ही देते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग में सेमिनार्स भी होते थे। सेमिनार क्या होता है, हमें पता है ना कि हम पे कोई सब्जेक्ट मिलता है, उस टॉपिक पे पेपर तैयार करते हैं और पेपर प्रेजेंट करते हैं। जब हम पेपर प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम अपनी विचार को अपने रखते हैं और उस पे लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो ये हुआ, सेमिनार भी होता था। इसके अलावा क्या है कि मेंटल और मोरल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट ज्ञान से एंड मोरल डेवलपमेंट जरूरी था। क्यों? ताकि बोधिसत्व की प्राप्ति हो, मतलब बुद्ध के ज्ञान को, बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए मेंटल और मोरल डेवलपमेंट जरूरी था। ठीक है, मोरल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट जरूरी था। इसके अलावा मेथड ऑफ टीचिंग क्या था कि क्वेश्चन आंसर मेथड से क्वेश्चन टीचिंग कराया जाता था। वो जो टेक्निक हमने देखा पहले, उसके बाद अब मेथड है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर मेथड, फिर लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, मेथड लॉजिकल आर्गुमेंट, इसके अलावा ये सारे मेथड्स भी पढ़ाए जाते थे। और इसके बाद क्या होता था कि कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस सेमिनार तो होता ही था, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस भी होता था जो कि फुल मून डे यानी पूर्णिमा को होता था। ऑन फुल मून डे, और दूसरा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, महीना के पहले दिन में भी कॉन्फ्रेंस होता था। तो इससे बच्चों का हमेशा एक्सप्रेशन और पढ़ाई से लगे रहना पड़ता था। दूसरा मेथड टीचिंग का क्या था कि जो एविडेंसेस थे, मतलब कि कॉज एग्जांपल कंट्राडिक्शन, वो एग्जांपल के द्वारा पढ़ाना, कॉज इफेक्ट के द्वारा पढ़ाना, कार्य कारण संबंध बताना, कॉन्ट्राडिक्शन विरोध, कोई चीज किसी का कॉन्ट्राडिक्टरी है उसके, मतलब बहुत सारे, ये सारे तरीके पढ़ाने के उस समय थे। आर्गुमेंट भी कर सकते थे बच्चे टीचर के साथ, अगर किसी चीज पे उनको समस्या होती थी समझने में या किसी चीज से वो सहमत नहीं होते थे तो वो टीचर से आर्गुमेंट करके और समझने की कोशिश करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, कॉमन लैंग्वेज जो पाली था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाली था। हायर एजुकेशन के लिए संस्कृत को जानना जरूरी होता था। सेंटर ऑफ एजुकेशन कौन कौन से थे उस समय, सेंटर ऑफ एजुकेशन मेन थे तक्षशिला, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, तक्षशिला, तक्षशिला, ठीक है, और नालंदा। यहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बुद्ध के टीचिंग्स और बुद्ध के सिद्धांतों का यहां पर वर्णन है, तक्षशिला, नालंदा एंड काशी, इसको आज हम बनारस कहते हैं। ये हो गया, अब हम लोग जानते हैं इसके बाद विमेन एजुकेशन का क्या हाल था। तो बुद्ध के समय में विमेन एजुकेशन का हाल अच्छा नहीं था। बुद्ध तो पहले विमेन एजुकेशन के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना मानना था कि अगर विमेन, बुद्ध वुमेन एजुकेशन के पक्षधर नहीं थे, वो उसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि वुमेन आर द
कॉज ऑफ ऑल वाइसेस. उनका मानना था कि अगर संघ में या बिहार में वुमेन का प्रवेश हो जाता है तो वहां पर करप्शन आ जाता है, वहां पर लोग बिगड़ने लगते हैं. इसलिए उन्होंने वुमेन को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी. लेकिन उनके शिष्य जो थे आनंद के रिक्वेस्ट पर फिर उन्होंने वुमेन को अलाउ किया. ये बुद्ध के शिष्य थे, डिसाइपल. बुद्ध के डिसाइपल आनंद ने बुद्ध भगवान से बुद्ध से रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने वुमेन को एंट्री दी संघ में एंटर करने के लिए. लेकिन उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया. जो वहां के टीचर होते थे, भिक्षु जो होते थे, वो वुमेन को अलोन अकेले में शिक्षा नहीं दे सकते थे. वो वुमेन को अकेले में नहीं शिक्षा दे जा सकते थे. वुमेन को उन्होंने क्या कंसिडर किया, वुमेन नो एडुकेशन टू वेमेन इन अलोन, वेमेन अलोन. ठीक है, फिर वेमेन को उन्होंने इन्फीरियर मांगना, मैन से इन्फीरियर माना. वो महिलाओं को पुरुषों से निकृष्ट मानते थे. और उसके बाद जनरल वेमेन को बिहार में, मतलब स्पेशल जो राजघराने की महिलाएं थे, उन्हें जनरल वेमेन को संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. ठीक है, जनरल वुमेन को अलाउ नहीं था. अब इसके बाद हम देखते हैं वोकेशनल, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी कि नहीं बुद्धिस्ट एजुकेशन में. तो वोकेशनल एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन में वोकेशनल शिक्षा की बहुत सारी व्यवस्था थी. बहुत टाइप के वोकेशनल एजुकेशन, जैसे हैंडीक्राफ्ट, वीविंग, स्टिचिंग के अलावा और भी एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ये सारे बहुत तरह के प्रोफेशन थे, बहुत तरह के व्यवसाय थे जिनके बारे में शिक्षा की जाती थी. फिर इसके अलावा आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती थी. आप देखते हैं इतने मोनास्ट्रीज थे जो उस समय के बिहार थे, उनका आर्किटेक्चर कितना अच्छा होता, कितने बिहार बने, कितने स्तूप बने, ये सारी चीजें जो कि मोनास्ट्रीज सुंदर. और फिर आर्किटेक्चर, पेंटिंग, जो कि आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो भी ये हैं मोनास्ट्रीज, उसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स होती हैं. आर्किटेक्चर, ये सब की शिक्षा दी जाती थी. इसके अलावा मेडिकल साइंस की भी पढ़ाई की करवाई जाती थी. मेडिकल साइंस की पढ़ाई की जाती थी, जो कि बुद्धिस्ट पीरियड में क्या था कि कौन कौन से थे, वैद्य, चरक, धन्वंतरी, जिनकी पूजा हम करते हैं धनतेरस के दिन, ये सारे ग्रेट आयुर्वेदाचार्य थे बुद्धिस्ट पीरियड में. चरक और धन्वंतरी, जिसका नाम हर कोई जानता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोकेशनल एजुकेशन. अब हम इस तरह से हर पॉइंट को हमने देख लिया. अब क्या हुआ कि बुद्धिस्ट एजुकेशन का डिमेरिट क्या था, तो पहला था कि कंट्री वीक हो गया. अब आप पूछेंगे कि कंट्री वीक कैसे हो गया, तो वीक इसलिए हो गया कि बुद्ध जो है ना अहिंसा के प्रवर्तक थे, अहिंसा, नॉन वायलेंस. अब इसमें क्या हुआ कि मिलिट्री एजुकेशन नहीं दिया गया और लोगों को हिंसा से रोका गया, तो इससे विदेशी आक्रमण शुरू हुए और मुगलों का साम्राज्य देश पर कायम हो गया. तो ये वीकनेस हुआ है. फिर हेट्रेड ऑफ हैंड वर्क, हाथ के काम को वो गलत मतलब उसको करना नहीं चाहते थे. बुद्धिस्ट एजुकेशन में हाथ से काम करने को सही नहीं मानता था. नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन, वुमेन को इन्फीरियर समझा जाता था और उन्हें उनके एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया. वो तो बहुत बाद में शुरू हुआ, तो ये बुद्धिस्ट एजुकेशन का डिमेरिट में आता है कि महिलाओं की शिक्षा को नेग्लेक्ट किया. फिर नेग्लेक्ट ऑफ वर्ल्डली लाइफ,
आप अगर सांसारिक जीवन का पूर्णतया परित्याग कर देंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको कुछ भी करने का उत्साह खत्म हो जाएगा और फिर कोई भी काम नया करने का या कुछ नया क्रिएट करने का आपकी मंशा खत्म होती चली जाएगी। तो इससे ये सारे डिमेरिट्स थे, लेकिन अब कुछ मेरिट्स भी थे जो कि हमें कंट्रीब्यूशन क्या था बुद्धिस्ट एजुकेशन का, हमें वो देखना होगा। तो कंट्रीब्यूशन बुद्धिस्ट एजुकेशन का था कि सबसे पहले बुद्धिस्ट एजुकेशन ने क्या किया, वोकेशनल एजुकेशन को लाया, व्यावसायिक शिक्षा को लाया। वोकेशनल एजुकेशन से हर तरह के वोकेशन का विकास हुआ, ठीक है। तो वोकेशनल एजुकेशन पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि वर्ल्डली सब्जेक्ट में क्या क्या देखा हमने, जिसकी शिक्षा दी गई, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, आर्चरी, ये सारे वर्ल्डली सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी गई जो कि वास्तविक जीवन से संबंधित थे। फिर लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, पाली में शिक्षा दी जाती थी तो लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया। फिर चौथा है कि प्राइमरी एजुकेशन को महत्व दिया गया, कि बच्चा जाता था पढ़ने के लिए जब, तो उसे सिद्धि रस्तु नाम की बुक पढ़ाई जाती थी 6 महीने के लिए, तो प्राइमरी एजुकेशन को बुद्धिस्ट एजुकेशन में महत्व दिया गया। फिर जो एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन था वो डेमोक्रेटिक था, इसमें अमीर गरीब बड़े छोटे का भेदभाव नहीं था। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन बुद्धिस्ट एजुकेशन की बहुत बड़ी देन मानी जाती है। फिर ये इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटर बने जो इंटरनेशनल एजुकेशन के सेंटर बने, जैसे तक्षशिला, नालंदा, ये सारी जगह हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हैं और इसमें बाहर से भी लोग आते थे, पढ़ने आते थे, तो ये इंटरनेशनल एजुकेशन का सेंटर बना। तो इस तरह से हमने बुद्धिस्ट एजुकेशन का हर एस्पेक्ट को देखा कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था, स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या थी, टीचर्स की क्या ड्यूटी थी, करिकुलम क्या था, टीचिंग मेथड क्या था, वुमेन का क्या स्थान था, फिर वोकेशनल एजुकेशन कैसा था। तो सारी चीजों को हमने एक एक करके देख लिया। ये 2 वीडियो में है, कृपा करके आप दोनों वीडियो देखेंगे। मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगी, पहले वाले वीडियो का। थैंक यू।